गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज देखिए प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर है 11। इसमें सत्य और असत्य बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो इस कंसेप्ट के द्वारा अगर जानेंगे तो अधिक समय तक आपको दिमाग में रहेगा। अगर कंसेप्ट नहीं जानेंगे तो सत्य असत्य केवल याद करने से नहीं, इसको समझ के अगर हम दिमाग में डालते हैं तो अधिक दिनों तक रह पाता है। तो कंसेप्ट में पावर है, इसीलिए ऐसा नहीं समझ ले कि ये सत्य है या सत्य का लेना है। हम लॉजिक के तहत इसको बताएंगे और समझाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें दिया कि टैन ई का मान सदैव एक से कम होता है। तो टैन ए बराबर हम लाल काका एल ए एल के ए ये फॉर्मूला से हम जानते हैं कि ये साइन के लिए है, ये कॉस के लिए है, ये टैन के लिए है। एल फॉर लंब होता है, के फॉर कर्ण होता है, ए फॉर आधार होता है। तो इसमें टैन की बात किया गया है, टैन ए का मान सदैव एक से कम होता है। देखिए टैन के लिए साइन कॉस टैन यानी कि लंब बट्टे आधार आएगा। तो लंब बट्टा आधार तो संपूर्ण त्रिभुज में संपूर्ण बनाने वाली भुजाएं ये होता है। मान लीजिए कोई भुजा को देखिए, लंब और आधार, इसका संबंध आया लंब और आधार का संबंध आया। अगर हम चार इसको मानते हैं, मान लेते हैं चार और इसको मानते हैं थ्री और इसको मानते हैं फाइव, ये संपूर्ण त्रिभुज है। तो संबंध चूंकि दिया हुआ टैन ए का मान सदैव एक से कम होता है, सदैव एक से कम होता है, तो देखते हैं कि इसमें अगर हम लंब बट्टे आधार, तो ये लंब ये हो गया, ये लंब हुआ और ये आधार हुआ। कोई एंगल अगर मान लिया जाए ए बी सी, लॉजिक के तहत देखेंगे तो समझ में आएगा। तो इसके ठीक सामने की भुजा का कोण के ठीक सामने की भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब बताया भी गया है, लंब और 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। यहाँ तक तो स्पष्ट है ना। अब देखिए इसमें टैन ए बराबर दिया हुआ क्या है, लंब बट्टे आधार। तो हम अगर करते हैं लंब बट्टा आधार तो चार बट्टा तीन आएगा। तो चार बट्टा तीन अगर आता है तो इसका मतलब है कि एक से अधिक मान होगा, जो कि यहाँ दिया हुआ टैन ए का मान सदैव एक से कम होता है, तो एक से अधिक हुआ। अगर हम फिर अगर इसी पिक्चर को ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, इसी को मान लेते हैं चार, इसी को मानते हैं तीन, तो क्या होगा, तीन लंबट्टा आधार आ जाएगा, तो यानी कि तीन से कम हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि संपूर्ण त्रिभुज में संपूर्ण बनाने वाली जो भुजाएं होती है वह कुछ भी हो सकता है, इसीलिए टैन का मान भी कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से इसमें जो दिया हुआ टैन ए का मान सदैव एक से कम होता है, तो ये आपको इस लॉजिक से ये असत्य हो गया। एक तो बात हुई, यहां तक समझने में दिक्कत नहीं हुई कि लॉजिक के तहत सीखते हैं तो हम ज्यादा समझ में हमें लगता है, और बिल्कुल लॉजिक का प्रयोग करके ही बनाना चाहिए, रटना नहीं चाहिए। अब देखिए कॉस कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। अब देख लीजिए 12/5, अब इसको फिर पढ़ लेते हैं, एल ए एल के ए लाल टका यानी साइन के लिए कॉस के लिए टैन के लिए, ऐसे आएगा साइन के सीरियली आएगा साइन कॉस टैन, और उसका रिवर्स इधर से जाएगा कॉट उलट के और ए बाई एल हो जाएगा, के बाई ए हो जाएगा, के बाई एल होगा उलट के। तो ये बहुत लाल टका का फॉर्मूला से बहुत सारा चीज निकल जाता है। अब देखिए sec a बराबर 12/5 दिया हुआ, कितना दिया 12/5। अब देखिए sin cos tan
टेन कॉट क्या हो जाएगा, देखिए साइन कॉस टेन कॉट यही होगा कॉट, सेक ये हुआ, सेक मतलब क्या कर्ण बट्टे आधार। अब देखिए कर्ण बट्टा आधार, देखिए कर्ण बट्टे आधार, यहां कर्ण बड़ा संकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो लग रहा है कि कर्ण बट्टा आधार माने 12 बड़ा तो लग रहा है कर्ण बट्टा आधार, तो ये आपका सत्य हो जाता है। समझ में बात आया। फिर तीसरा को देखिए कॉस एक कॉस कोण एक एक कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, ये तो सीधा है को कॉस एक का संक्षिप्त रूप था कोसाइन, जो कि यहां पर ले लिया है कोसेंट, ये हो गया आपका असत्य। ये भी समाप्त। अब देखिए कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है, नहीं ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ए को अगर पृथक करेंगे तो यह अर्थहीन हो जाएगा, कोई कोई अर्थ ही नहीं हो जाएगा, इसीलिए कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता, ये हो जाएगा आपका असत्य असत्य। ये भी ये आपका क्या हो गया असत्य। अब देखिए फिर इसमें देखिए किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। अब देखो 4/3 तो क्या होता है लंब बट्ट साइन में अगर लंब बट्टा कर्ण लंब बट्टा कर्ण कर्ण छोटा हो सकता है लंब यही यही कम हो गया लंब बट्टा कर्ण कर्ण ही छोटा हो गया तो देखने से लग गया कि ये क्या हो गया असत्य। इस प्रकार से अगर आप सही तरीका से समझते हैं समझ के करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा, अगर समझते नहीं है तो फिर दिक्कत है, कंसेप्ट में पावर है। तो अब हम अगले वीडियो मिलेंगे। थैंक यू, टेक केयर।